हिंदुस्तान में इंग्लिश महज एक भाषा ही नहीं बल्कि एक स्किल है। इसका श्रेय हम ब्रिटिशर्स को दे सकते हैं जिन्होंने हमारे देश को 150 सालों तक राज किया। 1947 में अंग्रेज तो हमारा देश छोड़कर चले गए, लेकिन यहाँ अपनी भाषा अंग्रेजी छोड़ गए और तब से लेकर आज तक इंग्लिश हमारे देश की एक सिंबॉलिक भाषा बन गई है। तो चाहे आप अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या अपनी ड्रीम जॉब को पाना चाहते हो, अपने ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देना चाहते हो या फिर लड़की पटाना चाहते हो, अच्छी इंग्लिश आपका काम आसान कर देती है और आपको एक बढ़िया इंप्रेशन जमाने में हेल्प करती है। अगर आप इंग्लिश बोलना तो जानते हैं लेकिन इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है तो मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त टिप है जिसकी मदद से आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ये टिप इतनी इफेक्टिव है कि इसके रिजल्ट्स आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दिखने शुरू हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत एक फंडामेंटल फैक्ट से करते हैं। मैं ऐसे काफी लोगों को जानता हूं जो इंग्लिश बोलना तो जानते हैं लेकिन वक्त आने पर सही तरह से सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पाते। इसका रीजन है कि कोई भी थॉट हम आमतौर पर अपनी मातृभाषा या अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोचते हैं और फिर उसे अपने दिमाग में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब ऐसा करने के कारण आप बहुत फिलर वर्ड्स यूज करते हैं और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी कर बैठते हैं। इस टेक्निक की खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स या व्यक्ति की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही इस टेक्निक की मदद से फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। इस बात को मैं इतने दावे से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी इंग्लिश इस टेक्निक की मदद से बेहतर की है। तो इसके लिए आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पर जाना है, जैसे कि नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार या प्राइम वीडियो, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप प्रेफर करते हैं उस पर जाना है और कोई मूवी प्ले करनी है। और यहाँ ट्विस्ट ये है कि उस मूवी को हमें देखना नहीं है बल्कि पढ़ना है। मेरा मतलब है आपको ऑडियो म्यूट पर रखना है और उस मूवी को सिर्फ नीचे लिखे इंग्लिश सबटाइटल्स की मदद से समझना है। अब सुनने में भले ही ये बहुत आसान लग रहा होगा लेकिन जब आप देखना शुरू करेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपको मूवी के विजुअल्स को देखना है और साथ ही साथ नीचे दिए गए सबटाइटल्स की मदद से उस मूवी को समझना है कि आखिर मूवी में चल क्या रहा है। आपको सीन देखना है और सबटाइटल्स को पढ़ना है, सीन देखना है और सबटाइटल्स को पढ़ना है और इसी तरह पूरी मूवी को देखने की कोशिश करनी है। जैसे कि मैंने कहा ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए जैसे आप थक जाएं तो पॉज कर ले और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये टेक्निक ऐसा क्या कर देगी। अब क्योंकि इस पूरी एक्टिविटी में आप सिर्फ दो काम करने पर फोकस कर रहे थे, पहला आप सीन देख रहे थे और दूसरा सबटाइटल्स पढ़कर उस सीन की सेंस बना रहे थे। और क्योंकि आप ये सब इतनी जल्दी कर रहे थे इसलिए बीच में आपके पास उस इंग्लिश को हिंदी या अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का समय ही नहीं था, इसलिए उस पूरी मूवी को आपने किसी और भाषा में नहीं बल्कि इंग्लिश में समझा और वो मूवी आपके माइंड में भी वैसे ही रजिस्टर हो गई। दोस्तों, आमतौर पर जब आप मूवी को ऑडियो के साथ देखते हैं तो आपके दिमाग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और इसलिए इस पूरी एक्टिविटी में आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और आपका कॉन्शियस माइंड कुछ ज्यादा रोल प्ले नहीं करता। लेकिन अगर आपको उस मूवी से अपनी इंग्लिश को बेहतर करना है तो आपको अपने कॉन्शियस माइंड से काम लेना होगा और उसके लिए आपको अपने सबटाइटल्स को ऑन करना होगा और मूवी के ऑडियो को म्यूट करना होगा। अब ये टेक्निक कितनी इफेक्टिव है इसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको अपने फोन के वॉइस रिकॉर्डर को ऑन करना है और एकदम इम्प्रॉम्प्टू, मेरा मतलब है बिना किसी तैयारी के, उस पूरी 2 से 2.5 घंटे की मूवी को समराइज करने की कोशिश करनी है, ऐसे जैसे कि आप किसी दोस्त को उस मूवी का जिस्ट या एक सार दे रहे हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप आमतौर पर इंग्लिश को फ्लुएंटली नहीं बोल पाते तो इस टिप की मदद से आप बिना रुके उस मूवी के बारे में एटलीस्ट 3 से 4 मिनट तो बोल पाएंगे और ऐसे ही कुछ रिपीटेड अटेम्प्ट्स आपकी इंग्लिश को और बेहतर बना देंगे। आशा करता हूं मेरी टिप आपको बेहद पसंद आई होगी और इसे आप आसानी से इंप्लीमेंट कर सकेंगे। टेक्निक की खास बात यह है कि इससे आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में और बेहतर होते चले जाएंगे। सो एंजॉय योर मूवी टाइम एंड हैप्पी लर्निंग टू यू।